हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनामाइड, किस तरह से जो सल्फोनामाइड है अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम सोफोलिक एसिड किस प्रकार से बैक्टीरिया में डीएनए की सिंथेसिस होती है। जब ये पावा होता है, पावा ये एक्ट करता है टेरिडीन के साथ, टेरिडीन के साथ जब एक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डाइहाइड्रोटेरोइक एसिड, डाइहाइड्रोटेरोइट सिंथेज की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है डाइहाइड्रोटेरोइक एसिड में। टेरोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ये जो डाइहाइड्रोटेरोइक एसिड होता है ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा, ये डाइहाइड्रोटेरोइक एसिड कन्वर्ट हो जाता है डाइहाइड्रोफोलिक एसिड में। डाइहाइड्रोफोलिक एसिड फर्दर कन्वर्ट होता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फोलेट रिडक्टेज के द्वारा, फोलेट रिडक्टेज, यह टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्यूरिन पिरिमिडिन सिंथेसिस, जिसके कारण प्यूरिन पिरिमिडिन सिंथेसिस होता है बाय डीएनए पिरिमिडिन सिंथेसिस। प्यूरिन पिरिमिडिन सिंथेसिस के बाद हमारा डीएनए सिंथेसिस होता है, डीएनए का सिंथेसिस। सिंथेसिस होता है जैसे कि हमने पहले वीडियो में देख रखा है, जो सल्फोनिलामाइड होता है, ये जो हमारा सल्फोनिलामाइड है सल्फोनिलामाइड नील अमाइड जो होता है, स्ट्रक्चर एनालॉग होता है पावा का, इसका स्ट्रक्चर पावा के स्ट्रक्चर के बिल्कुल सेम होता है NH2। ये जो हमारा पावा का स्ट्रक्चर है COOH, ये जो है पावा का स्ट्रक्चर पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, जबकि ये हमारा स्ट्रक्चर है सल्फोनिल अमाइड। डाइहाइड्रोटेरोइड सिंथेज जो होता है इसके साथ पावा के साथ कंबाइन करने की जगह ये कंबाइन कर लेता है सल्फोनिल अमाइड के साथ, सल्फोनामाइड के साथ ये कंबाइन कर लेता है, जिसके कारण ये इनिबिएट हो जाता है, ये जो डाइहाइड्रोटेरोइड सिंथेज इनिबिएट हो जाता है। हम कह सकते हैं कि सल्फोनामाइड डायरेक्टली इनिबिएट करता है डाइहाइड्रोटेरोइड सिंथेज, MID। जब पावा टेरिडीन के साथ कंबाइन करता है तो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डाइहाइड्रोटेरोइड सिंथेज की प्रेजेंस में ये डाइहाइड्रोटेरोइक एसिड में कन्वर्जन हो जाता है, लेकिन जो सल्फोनामाइड होता है इसको इनिबिएट करता है, डाइहाइड्रोटेरोइड सिंथेज को इनिबिएट करता है, जिसके कारण इसकी फॉर्मेशन नहीं हो पाती है, जिसके कारण डाइहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगी, फोलिक एसिड नहीं बनने के कारण टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड की फॉर्मेशन नहीं होगी तो प्यूरिन पिरिमिडिन की सिंथेसिस नहीं होगी और डीएनए सिंथेसिस रुक जाएगी और ये बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक जाएगा, बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर। अगर हम अगर कम्बिनेशन में हम सल्फोनामाइड यूज करते हैं, ड्रग कम्बिनेशन में अगर सल्फोनामाइड ड्रग यूज करते हैं तो ये बैक्टीरियोसाइडल इन नेचर होता है, ये बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। जो ये सब प्रोसेस हो रहा है, डाइहाइड्रोटेरोइड एसिड बन रहा है, डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बन रहा है, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बन रहा है, ये जो प्रोसेस हो रहा है बैक्टीरिया के अंदर होता है, क्योंकि बैक्टीरिया डायरेक्टली फोलिक एसिड को नहीं ले पाता है, बैक्टीरिया के सेल वॉल जो होते हैं इम्परमिएबल होते हैं फोलिक एसिड के, ये जो बैक्टीरिया के सेल वॉल होता है इम्परमिएबल होता है, इसके द्वारा फोलिक एसिड अंदर नहीं आ पाता डायरेक्टली फोलिक एसिड। जो बैक्टीरिया होती है सेल के अंदर ही फोलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है फॉर डीएनए सिंथेसिस के लिए, जबकि ह्यूमन की बॉडी होती है डायरेक्टली ह्यूमन का जो सेल्स होते हैं वो डायरेक्टली फोलिक एसिड इनटेक कर सकते हैं। ये जो सल्फोनामाइड है अफेक्ट नहीं करता फोलिक एसिड फॉर्मेशन में, फोलिक एसिड और डीएनए सिंथेसिस में ह्यूमन के। और जो अगर ये फोलेट रिडक्टेज है, इसको जो
हाँ कुछ ड्रग है इसको अफेक्ट करते हैं फोलेट रिडक्टेज को, इसमें आते हैं हमारा पायरीमेथामाइन, ETHAMINE, पायरीमेथामाइन आते हैं। हाँ ट्राईमेथोप्रिम, हाँ मेथोप्रिम और एंटी माइक्रोबियल मलेरियल ड्रग भी आते हैं इस कैटेगरी में, जो इसको फोलेट रिडक्टेज को डायरेक्टली इनिवेट करता है। सो इस तरह से हम डीएनए सिंथेसिस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे सार ऑफ सल्फोनामाइड, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप देखेंगे सल्फोनामाइड की।